मेरा नाम रानी है, जो माफ कर दीजिए, मैंने आपके नाम का गलत इस्तेमाल करके आपको बदनाम किया। तुमने सिर्फ हमारे नाम का गलत इस्तेमाल नहीं किया, अपने इस तेज दिमाग का भी किया है। उन मासूम लोगों के डर का फायदा उठाया तुमने, जो किसी भी बड़े ऑफिसर से या किसी भी बड़े आदमी से उनका आइडेंटिफिकेशन मांगने में कतराते हैं। अगर वो लोग हिम्मत करते ना और अपने हक का इस्तेमाल करके तुम्हारा ये मास्क उतारते, तो तुम्हारा ये झूठा मकोटा है ना, वो भी उतर जाता। अब तो आपको पता चल गया ना सर, ये सब हमने क्यों किया। यस ऑफ कोर्स मिस हसीना मलिक, हमें आप पर गर्व है। आपने अपनी सूझबूझ से इतना बड़ा केस को सॉल्व कर दिया और डिपार्टमेंट पे लगे धब्बे को भी हटाया। सही बात है सर, पूरा केस जो है मैडम सर ने अकेले सॉल्व किया है। हम तो वहां बैठ के भुना चना खा रहे थे। सर दरअसल सच तो यह है कि हमारी टीम के बिना और खास तौर पर करिश्मा सिंह के बिना हम ये केस कभी सॉल्व नहीं कर पाते। करिश्मा सिंह जी सर, क्या हो? हम सब जानते हैं अब समय आ गया है कि करिश्मा सिंह को प्रमोट किया जाए। आज इसी समय इसी थाने में करिश्मा सिंह को SHO की पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। क्या क्या क्या? अरे वाह, थैंक यू सर। बताइए कौन से थाने में जाना है? नहीं, इसी थाने में रहना है। मतलब मैडम सर का किसी और थाने में ट्रांसफर हो रहा है? मैडम सर भी इसी थाने में रहेंगे, आप टेम्परेरी SHO रहेंगे और आप हसीना मलिक से सीखेंगी कि SHO थाने को कैसे चलाता है। इस थाने में अब से दो दो SHO होंगे। मतलब करिश्मा मैडम और हसीना मैडम दोनों एक ही पोस्ट पर, तब तो लात और जज्बा दोनों की बराबर की टक्कर होगी। तो हमारी खैर नहीं, हमारी खैर नहीं। हाँ, थैंक यू सर। वेलकम। जय हिंद सर। जय हिंद। हेलो। जय हिंद। नई SHO साहिबा, मतलब कि नई मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ की SHO बनने की खुशी में आपको भर भर के ट्रक भर भर के बधाई हो मैडम, स्वीकार कीजिए आप। अरे चीता दिन का पहला बधाई दिए हो तुम, धन्यवाद। अरे मैडम हम का बताएं, मतलब आप जिस लेवल के ऑफिसर है ना, मतलब जैसी ठोस जैसी जबरदस्त जैसी चट्टान जैसी ऑफिसर है ना आप। अरे अभी तक तो आपको कमिश्नर बन जाना चाहिए था। ये जो है मैडम, ये सब छोटा मोटा अचीवमेंट है आपके लिए। अमा तुम अब बकैती बंद करो और हमारा बात ढंग से सुनो। महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ में एक ही मैडम सर है और वो हम नहीं है। अमा टेम्पररी बने हैं, जिस दिन परमानेंट बनेंगे ना और खुद का थाना खुद के तरीका से हम चलाएंगे, उस दिन शान से मैडम सर कहलवाएंगे तुमसे।
मैडम मैडम ये जो आप बात बोली है ना हमारे दिल में ना मतलब आपके लिए रेस्पेक्ट ना 10 गुना ज्यादा बढ़ गया। इतना अच्छा बात कौन करता है? मतलब बहुत बहुत अच्छा बात बोली मैं, बहुत इज्जत हो बढ़ गया आपको, पैर छू ले हम आपका मैडम। अम्मा तुम ये गुड़ बनना बंद करो, ओवर ही कर देते हो कसम से। सॉरी सॉरी मैडम सर, मतलब की करिश्मा मैडम सॉरी सॉरी। देखो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम सब मरे जा रहे हो हमको बधाई देने के लिए, लेकिन हमारा बात सुनो, कोई रंगबाजी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, सबके कान में ये बात डाल दो हमारे वहाँ आने से पहले, समझ गए? वरना हमारा भौकाल तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। जी मैडम। Excuse me. जी जी क्या ये बिल्लू? पुष्पा जी, लॉकडाउन में हमारा चोरी का धंधा एकदम से लॉक हो गया, कोई घर से बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो चोरी कैसे करे? इसीलिए मैंने सोचा कि ईमानदारी का धंधा करे, और वो भी कौन सा, पॉलिसी एजेंट का। बस आपका सहयोग चाहिए। बताइए क्या सहयोग चाहिए? बताते पुष्पा जी, ये जो बुढ़ापा है ना बहुत ही खतरनाक होगा। दिख रहा है? बच्चे ठीक हो तो मौज है, और ठीक नहीं हो तो बुढ़ापा एक बोझ है। आजकल के बच्चों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। पुष्पा जी आप आईना तो देखती होंगी। ये देखिए, भगवान भी आपसे 2-3 दिन ही बड़े होंगे। रख रख अंदर रख। पुष्पा जी ये बुढ़ापा ना एक चिंता है, कब क्या हो जाए पता नहीं, इसलिए आप हमारी पॉलिसी ले लीजिए, ये ओल्ड एज पॉलिसी। बुढ़ापे का रिटायरमेंट प्लान बेचने आए, अभी हमारी उम्र ही क्या है? सारे इतवार और बैंक हॉलीडेज अगर निकाल लो तो 35 से 1 साल भी ज्यादा ना होंगी। हाँ अभी हमारे रिटायरमेंट में बहुत टाइम है। टाइम ही नहीं है, कब टाइम आगे बढ़ सकता है वो पता नहीं सकते। जय हिंद नई SHO करिश्मा मैडम जी। जय हिंद पुष्पा जी। जय हिंद नई SHO करिश्मा मैडम। जय हिंद संतोष। तो पुष्पा जी ओल्ड एज पॉलिसी ले रहे हैं ना? एक मिनट, ओल्ड एज पॉलिसी? हाँ पुष्पा जी आप ले रही हैं ओल्ड एज पॉलिसी? हाँ हाँ जरूरत भी तो है। बताएंगी क्यों? क्योंकि हम बेच रहे हैं। आप पॉलिसी ले रही हैं? क्यों ना ले? अरे आजकल के बच्चों का भरोसा ही नहीं रख सकते। अरे इनके बेटे ने इनको बेटा क्यों? आपके बहू ने आपको घर से बेघर कर दिया, एक आवारा कुत्ते की तरह धुतकार दिया, 2 जोड़ी कपड़ों पे ही आपको घर से लात मार कर निकाल दिया, तो इस लावारी जिंदगी का कौन सहारा है? एक ही सहारा है, ये हमारी ओल्ड एज पॉलिसी। लीजिए भरिए और साइन कीजिए। बिल्ला। हाँ पुष्पा जी भरोसा उठ गया आपका अपने बच्चों पर से? नहीं मतलब क्या पता वक्त का ऊंट किस तरफ करवट ले। लगता है पुष्पा जी का दिमाग ठिकाने लगाना ही पड़ेगा।